तो कल से मुझे काफी सारे सवाल मिल रहे हैं मीम कॉइन को लेकर कि ये मीम कॉइन क्या चीज है। तो थोड़ा और मैं आज आपको बताऊंगा ये मीम लैंड का जो मीम कॉइन है तो एक्चुअल में है क्या। एंड बहुत लोगों ने बोला कि शायद स्पॉन्सर वीडियो है, तो बिल्कुल भी स्पॉन्सर नहीं है, बाइनेंस का प्रोजेक्ट है, बाइनेंस को स्पॉन्सर करने की जरूरत नहीं है, और वो भी हम जैसे छोटे मोटे यूट्यूबर को वो स्पॉन्सर क्यों ही करेगा। तो मेरा मकसद सिर्फ ये है अब तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना। आप यहां सामने देख सकते हैं मेरे टोटल रिवॉर्ड रिसीव जो है 82 है, 16 मैंने अभी क्लेम करने हैं, 16 यहाँ पे क्लेम नहीं किए हैं। ये TUSD पूल है, BNB पूल देख रहा हूँ 16 अभी क्लेम करने हैं, और 71-72 मीम कॉइन्स ऑलरेडी मुझे रिसीव हो चुके हैं। तो इस तरीके से मीम कॉइन्स लगातार रिसीव हो रहे हैं। तो बहुत लोगों का सवाल ये भी था कि ये कितने प्राइस पे लॉन्च होगा, हमें कितने मिल सकते हैं, और कब लॉन्च होगा, किस पे लिस्ट होगा। तो वो अभी मैं फिर से सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ, क्योंकि कल थोड़ा वीडियो लंबा था, वो प्रोसेस था कि आपने कैसे स्टेक करना है। यहाँ पे मैं आपका सिर्फ ये डाउट्स क्लियर करूंगा, लेकिन अगर आपका कोई भी सवाल है इस मीम कॉइन को लेकर या फिर बाइनेंस की किसी भी प्रोजेक्ट को लेकर, तो वो मैं सारे आपके डाउट्स यहीं पे क्लियर करने वाला हूँ। एंड हाँ, प्लीज़ वीडियो को अभी से लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, और इसी के साथ हमारा टेलीग्राम चैनल कर लीजिए वॉफ्टेड ऑफिशियल, आप सर्च कर सकते हैं या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जहाँ पे मैं हर एक अपडेट सबसे पहले डालता हूँ। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं FTX की अपडेट डाली हुई है, ETF अप्रूवल की अपडेट डाली हुई है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ETF भी ऑलरेडी अप्रूव हो चुका है। तो ऐसी अपडेट्स मैं डालता रहता हूँ, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो या फिर अपने ट्विटर के ऊपर आ जाओ, इंस्टाग्राम के ऊपर आ जाओ, हर एक जगह पे मैं अपडेट डालता हूँ। इवन बाइनेंस के फीड के ऊपर भी हम अपडेट्स रेगुलर डालते हैं। तो आज का जो सवाल है वो यही है कि आपको ये कैसे मिलने वाला है मीम कॉइन। तो मीम कॉइन, एक चीज़ आपको बता दूँ, यहाँ पे इन्होंने कल भी लिखा हुआ था, आपको बताया था कि मीम कॉइन क्या करता है, कि मीम कॉइन, इन्होंने यहाँ पे क्लियरली एक चीज़ बता दी है कि मीम कॉइन ऐसा नहीं है कि इसकी कोई यूटिलिटी होगी या फिर इसका कोई यूज़ केस होगा या फिर अपना ये इकोसिस्टम बढ़ाने वाले हैं। जैसे कि काफ़ी सारे मीम कॉइन्स यही दिखाते रहते हैं कि हम कुछ नया करने वाले हैं, हमने अभी ये ले आए, हम आगे चल के ये लेके आएंगे। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, लिटरली मीम कॉइन इसकी कोई यूटिलिटी नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है, कोई प्रॉमिस नहीं है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, फाइनेंशियल रिटर्न नहीं है, 100% मीम है। तो ये तो आपको कल भी बता चुका था, आपको अभी जो बताना है मैंने वो एक बार फिर से बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोगों ने ये भी पूछा कि इसका प्राइस कहाँ तक जाने वाला है। तो यहाँ पे इनकी सप्लाई जो 69 मिलियन की बनती है, और इसी के साथ प्राइस भी इन्होंने एक्सपेक्टेड प्राइस बताया कि $0.001, यानी कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 1 सेंट तो जाएगा जाएगा, उसके बाद ये 10 सेंट 1 डॉलर बहुत आसानी से पहुंचने वाला है, क्योंकि इसकी लिस्टिंग कहाँ पे आने वाली है, बाइनेंस के ऊपर। बाइनेंस के ऊपर लिस्टिंग होगी तो वहाँ पे सप्लाई इसकी बहुत तेजी से ट्रेड होने वाली है, जल्दी से जल्दी आपको यहाँ पे जितने ज़्यादा कॉइंस मिलते हैं आप ग्रैब कर लो, मेरा तो मानना सिर्फ यही है, आपको जितने भी मिले। अभी लिस्टिंग होने में 4 दिन बाकी हैं, लगभग 5 दिन बाकी है, 4-5 दिन बाकी हैं, कल 6 दिन बाकी थे, तो जितने ज़्यादा हो सकते हैं आप क्लेम कर लो। जैसे कि यहाँ पे मेरे ऑलमोस्ट 100 मीम कॉइंस यहाँ पे TUSD पूल से हो चुके हैं, एंड ऑलमोस्ट अगर हम BNB का देखते हैं तो ये लगभग 90 के आसपास हो चुके हैं मीम कॉइंस। तो ये लगातार बढ़ते रह रहे हैं, क्योंकि मैंने दिन में भी यहाँ कई बार क्लेम किया था, फिर लगातार मैं क्लेम करता रहता हूँ, क्लेम करते जाओगे तो आपके पास इकट्ठे होते जाएंगे। जैसे ही लिस्टिंग आएगी, लिस्टिंग के साथ साथ आप ट्रेड कर पाओगे। अब यहाँ पे 2 फायदे हैं, लिस्टिंग आएगी आपके पास जितने भी कॉइन पड़े हैं वो तो आप ट्रेड कर लोगे, दूसरा आपको ये फायदा कि 30 दिन की फार्मिंग है, 30 दिन तक आपने इस मीम कॉइन को फार्म करना है, 30 दिन में आपके पास काफ़ी सारे कॉइन्स आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा कॉइन्स अवेलेबल हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने बाइनेंस के साथ ऐसा टाइप किया कि बाइनेंस के ऊपर ही सारी सप्लाई आने वाली है। तो टोटल रिवॉर्ड्स इन्होंने वैसे बताया हुआ कितने बन रहे हैं, यहाँ पे ये बन रहे हैं लगभग 1.3 बिलियन बन रहे हैं, और इनकी टोटल जो सप्लाई है वो है 69 बिलियन की। तो आप देख सकते हैं काफ़ी सारी क्वांटिटी यहाँ पे इन्होंने दी है कि जो एज ए सिर्फ रिवॉर्ड दी जाएगी। तो सबसे पहला डाउट आपका प्राइस का, और वो क्लियर कर दिया मैंने, और लिस्टिंग आपको बता रहा हूँ, लिस्टिंग इसकी होगी, एंड इसका रोड मैप वगैरह जो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे। और एक चीज़ बहुत लोगों ने मुझे ये भी पूछा था कि ट्विटर के ऊपर इनका जो एयर ड्रॉप चलता है, तो दोस्तों उस एयर ड्रॉप का इस बाइनेंस की फार्मिंग के साथ कोई भी लिंक नहीं है, वो एयर ड्रॉप अपने तरीके से चलता है, शायद वो सही चले भी या ना चले इसका भी हम कोई क्लैरिटी नहीं दे सकते। ये आप देख सकते हैं क्योंकि ट्विटर के ऊपर इनकी कोई खास अपडेट्स भी नहीं आई हैं, जो कल के दिन तो बिल्कुल ही खाली दिख रहा था। एंड 1.5 मिलियन फॉलोअर्स इनके हो चुके हैं, और फॉलोअर्स ये लगातार बढ़ भी रहे हैं। इस बढ़ने का कारण ये है कि अभी बाइनेंस के ऊपर आया, हालांकि इनका कोई लास्ट ट्वीट तक नहीं दिख रहा, ट्वीट तो दूर की बात, इनका कोई रिप्लाई तक नहीं मुझे दिख रहा कि इन्होंने कोई रिप्लाई भी किया हो, जो कि आखिरी जुलाई 20th को था, और तब इन्होंने एयर ड्रॉप अनाउंस किया था। अब उस एयर ड्रॉप की हम एक्सपेक्टेशंस इस वक्त नहीं लगा सकते कि इस वक्त हमें कुछ इनके एयर ड्रॉप से मिल जाए। अब मैं इसका कंपेरिजन करूँगा कि आप अगर बोलते हो कि ऐसा होना चाहिए कि इनका मीम कॉइन के साथ कोई लिंक है या नहीं है, या फिर मैं प्रमोशन कर रहा हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी हम कॉइन मार्केट कैप .com के ऊपर जाते हैं तो आपको मैं दिखा दूँ कि अच्छे से अच्छे मीम कॉइन पड़े हैं, यहाँ पे पेपे कॉइन पड़े हैं, और इसी के साथ आपको पता है डॉज कॉइन पड़े हैं, इसकी पोजीशन तो वहीं पे
पड़ी है, चाहे इन्होंने कोई खास प्रॉफिट दिया या नहीं दिया। शिबा इनू आप देख सकते हो टॉप 20 में रहता ही रहता है, कई बार 11-12 पोजीशन तक भी पहुंच जाता है, तो काफ़ी सारे मीम कॉइन्स हैं। लेकिन इनकी वैल्यू आप देखोगे 0.0 के बाद काफ़ी सारे डेसिमल्स आ जाते हैं, यानी कि यहाँ पे कई सारी जीरोज आ जाती हैं, और डॉज कॉइन का भी ऐसा ही है, काफ़ी सारी जीरोज आ जाती हैं। लेकिन मीम कॉइन का देखें तो इन्होंने एक चीज़ हमें जो प्राइस के हिसाब से बताया है यहाँ पे, तो वो हमें 0.001 दिख रहा है, जिस कारण मैं इस पर थोड़ी सी उम्मीद लगा रहा हूँ इस प्रोजेक्ट से कि शायद हो सकता है ये अच्छा परफॉर्म करे, क्योंकि वैसे भी बाइनेंस के ऊपर आ ही रहे। एंड जितने इकट्ठे हो पा रहे हैं इकट्ठे करो इन कॉइन्स को, क्योंकि बार बार ऐसे प्रोजेक्ट्स नहीं आते हैं बाइनेंस के ऊपर। काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स आते भी हैं, लेकिन उनका क्या है कि वो प्रोजेक्ट्स में इतना तेज़ी से कॉइन्स हमें नहीं मिलते, इतनी फास्ट फार्मिंग कभी भी नहीं होती। ये मोस्ट फास्टेस्ट फार्मिंग मुझे लगी है, क्योंकि शायद इनका जो रिवॉर्ड पूल है ना, वो रिवॉर्ड पूल ही बहुत बड़ा है। रिवॉर्ड पूल जब बड़ा होता है तो वो रिवॉर्ड्स भी तेज़ी से देते हैं, तो फास्टली हमें इनकम यहाँ पे मिल रही है। एंड इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करना, एंड इसको अभी से जितना तेज़ी से हो सकता है ग्रैब करो। अब ये प्रोजेक्ट आपको, अगर हम कॉइन मार्केट कैप के ऊपर जाते हैं, यहाँ पे अगर सर्च करते हैं MEME, यहाँ पे मीम देखोगे तो मीम तो काफ़ी सारे आ जाते हैं, मीम कॉइन के नाम से भी काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं। तो एक्सपेक्ट करना आसान नहीं है कि कौन सा कॉइन इनमें से एक है, लेकिन यहाँ पे अगर हम मीम कॉइन देखते हैं, एक मीम कॉइन ऐसा भी है जिसकी यहाँ पे कोई डिटेल नहीं दी गई है, यहाँ पे कुछ सप्लाई का बताया हुआ है और इसका एड्रेस बताया हुआ है। अगर एड्रेस मैच हो रहा है, या फिर अगर इनका ट्विटर का लिंक मैच हो रहा है, या वेबसाइट मैच हो रही है, तो फॉर श्योर ये प्रोजेक्ट वही है। जी हाँ, ये मैच भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पे डिटेल क्यों नहीं आई है, क्योंकि इन्होंने डिटेल सिर्फ तभी डाली है जब बाइनेंस के ऊपर लिस्टिंग होगी। तो ये सिर्फ वेट इस चीज़ की कर रहे हैं कि आगे चल के जैसी लिस्टिंग होगी, लिस्टिंग के साथ साथ यहाँ पे हर एक चीज़ आ जाएगी, तब कॉइन मार्केट कैप भी इसको रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देगा कि ये भी एक मीम कॉइन है, जिसका चाहे यूज़ केस नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी कम्युनिटी बहुत बड़ी है, या फिर इसके होल्डर्स बहुत बड़े हैं, और ये एयर ड्रॉप दे चुके हैं, अपने फार्मिंग के ऊपर रिवॉर्ड्स भी दे चुके हैं। अब मैं आपको बता रहा था कि इसकी कहीं भी अपडेट्स नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ जो वेबसाइट्स हैं उनके द्वारा अपडेट्स यहाँ पे आई हुई हैं, जैसे कि क्रिप्टोपॉलिटन है, कॉइंटर न्यूज़ है, द न्यूज़ क्रिप्टो है, क्रिप्टो हेडलाइंस, क्रिप्टो न्यूज़, क्रिप्टो ग्लोब, क्रिप्टो डॉट न्यूज़, तो यहाँ पे इन्होंने सभी ने लगभग एक ही अपडेट डाली है कि बाइनेंस के ऊपर लॉन्च पूल आया है। अब मैं बाकी कॉइंट्स की अगर बात करूँ, जैसे कि फ्लॉकी इनू है या फिर पेपे कॉइन है, तो उनके ऊपर हम इतना भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, वो दिखावा कर रहे हैं कि हम मीम कॉइन तो हैं लेकिन हमारा यूज़ केस भी है। लेकिन इस कॉइन ने ये बताया कि हमारा मीम कॉइन है, हमारा कोई यूज़ केस नहीं है, आप ऐसा मत सोचो कि हमसे कोई यूज़ केस होगा, लेकिन फार्मिंग के द्वारा अर्निंग हो पाएगी। तो सही में मीम कॉइन वही होता है जिसका एक्चुअल में कोई भी यूज़ केस नहीं होता, जहाँ पे हमें सिर्फ वो कॉइन होल्ड करने पर या फिर सिर्फ कम्युनिटी ज़्यादा होने की वजह से एक प्रॉफिट मिलता है। तो आज का हमारा ये वीडियो इतना ही, एंड कोई भी अगर आपको डाउट है मीम कॉइन को लेकर, मीम लैंड को लेकर, नीचे कमेंट करो, मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। वरना आप टेलीग्राम के ऊपर आ जाओ, यहाँ पे हमारा वॉल्फ ट्रेड ऑफिशियल जो है वो है टेलीग्राम चैनल, और वॉल्फ ट्रेड डिस्कस हमारा डिस्कशन ग्रुप है, कोई भी सवाल पूछो मैं आपको जवाब यहाँ पे दूंगा, यहाँ पे मैं पर्सनली आपको रिप्लाई करूंगा। तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।